हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के लिए जो ऑपरेटर आईडी दिया जा रहा है, उस ऑपरेटर आईडी के लिए हम किस प्रकार अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ऑपरेटर आईडी लेने के बाद जो है कौन कौन से सर्विस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे लिंक आधार कार्ड फीचर, यहाँ पे अनेबल बेनिफिशियरी ऑपरेटर लिंक आधार नंबर दैट कार्ड जनरेट विदाउट आधार केवाईसी का आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड मेंबर कर सकते हैं किसी फैमिली में, यानी जिनका बना हुआ है उनके फैमिली में, और किन्हीं का छुटा हुआ है तो उनका जो है मेंबर के लिए ऐड कर सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पे रीडो ई केवाईसी कर सकते हैं, उसके बाद चेक स्टेटस कर सकते हैं कार्ड का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम किस प्रकार इसे अप्लाई करेंगे ऑपरेटर आईडी के लिए। अगर जिनका आईडी यहाँ पे एक बार अप्लाई किए थे, अगर ब्लैक लिस्टेड हो गया है, तो उसके ऊपर भी हमने जो है एक वीडियो बनाया है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सर्च करेंगे चैनल पर, वहाँ पे आपको ऑपरेटर आईडी के लिए, तो वहां से आपको दिखा दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट आया था, बोला गया था कि यहाँ पे सारी बकवास वीडियो बनाए हैं, जो कि यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है यहाँ पे ब्लैक लिस्ट से हट गया है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा आधार नंबर है वो ब्लैक लिस्ट से दोबारा जो हम अप्लाई कर रहे हैं तो ब्लैक लिस्ट दिखा रहा है। तो ऐसा बात नहीं है फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो होता है वो ओटीपी डालने के बाद तुरंत ही यहाँ पे हट जाता है, लेकिन यहाँ पे आधार नंबर में जो है मेरा खुद का जो है ब्लैक लिस्टेड आईडी था, तो हम उसी आधार कार्ड से यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार हमने किया है, और यहाँ पे देखेंगे ब्लैक लिस्टेड से हटा हुआ है। तो इसमें जो है हमारा जो है 15 से 20 दिन का यहाँ पे टाइम के बाद जो है दिनों के बाद यहाँ से मेरा जो है यहाँ पे हटाया गया है ब्लैक लिस्टेड से। तो हम चलिए उसी ब्लैक लिस्टेड से जो आधार से हम किए थे उसी से हम फिर से हम अप्लाई किस प्रकार करेंगे, और एडमिन कोड जो होता है वो कहाँ से मिलेगा हमको, और किस प्रकार जो है हम उसे एडमिन कोड को डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक की ओर, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर आईडी में सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे साइन अप वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है देखेंगे इस प्रकार जो है हमारा यहाँ पे खुल के आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे अपना जो है जिस आधार नंबर से यहाँ पे जिनका भी करना है उनका जो है आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है पहले जो था हम दिखा देखे थे कि इसमें जो है ब्लैक लिस्टेज यहाँ पर एरर आ रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पे सही का टिक लग गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आप ओटीपी के माध्यम से करना चाहते हैं या फिंगरप्रिंट के माध्यम से, जिससे भी करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को जो है एग्री करेंगे और यहाँ पे अलाव वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा आधार में उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। तो चलिए हमारा जो ओटीपी है मेरा जो है आ चुका है, उसे हम फिल करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद जो है मेरा जो है यहाँ पे पूरा डिटेल जो है खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, तो यहाँ पे एड्रेस आधार कार्ड के और यहाँ पे जो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ दोनों एड्रेस सेम है, तो टिक केयर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है इतना आपको फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको एक ईमेल आईडी डालना होगा। चलिए तो हमारा जो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई वाले ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एक फिल करना है। उसके बाद इसे भी वेरीफाई वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। तो देख सकते हैं मेरा जो है ओटीपी यहाँ से हम फिल कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक फोटो अपलोड करना है, या आधार कार्ड वाला ही रहने देना है तो आधार कार्ड वाला रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमारा जो है यही फोटो रहने देते हैं। अगर नया फोटो यहाँ पे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो ईमेल आईडी होगा, यहाँ पे वेरीफाई नहीं दिखा रहा होगा, तो ईमेल आईडी पर आपको एक मेल गया होगा, उस मेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो एक लिंक गया होगा ओनली, उस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक
क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपका जहाँ भी ईमेल होगा वहां से आपको सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्लीज वेरीफाई क्लिक हियर लिंक सेंड, यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है यहाँ पे मेल आईडी पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया है। तो हमारा जो है यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे बोल रहा है प्रेजेंट एंट्री, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो कि हम बिहार से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एस एच ए बी बिहार लिखा हुआ होगा, देखेंगे एस एच ए बिहार लिखा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, बहुत सारे यहाँ पे नाम दिखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर ऑपरेटर आईडी लेना है तो यहाँ पे देखेंगे कार्ड, यहाँ पे एजेंसी का ऑप्शन है तो यहाँ पे कार्ड क्रिएशन एजेंसी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर नेम में यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे ANMA के लिए है, आशा के लिए, AWD या तो CSC यानी ग्राम सेवक, PRIS, UTI का जो लिए हुए हैं वो है। तो हमारा जो है CSC है तो CSC से हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद जो है CSC आईडी होता है वो यहाँ पे हमको लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ से यूजर रोल में यहाँ पे आपको ओनली एडमिन नहीं एजेंसी ऑपरेटर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप को एजेंसी ऑपरेटर लाना चाहते हैं या तो ऑपरेटर भी से यहाँ पे लेना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे VIS जो भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिन कोड, एडमिन कोड कहाँ से मिलेगा तो आप अपने अगर CSC आईडी से है आपके पास तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे वो आपको एडमिन कोड प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो है एडमिन कोड हम अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से यहाँ पे रिक्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे एडमिन कोड दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से बात करें अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से और उनको बोले कि हमें जो है आयुष्मान कार्ड का ऑपरेटर आईडी लेना है, किस प्रकार मिलेगा, तो वो आपको एक सोल्यूशन देंगे। तो आप वहां से आप ले लेंगे। उसके बाद जो है ऐड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार जो है हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम में आप क्या डालना चाहते हैं आप अपने हिसाब से डालेंगे। तो आपको जो भी डालना है यूजर नेम में आप डाल लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो यूजर नेम हम ये लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बना लेना है, जो भी आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है उसे डालकर आपको फिर से एक बार लॉगिन करना है। यहाँ पर देखेंगे हमारा जो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है तो हमारा किस प्रकार होना चाहिए। सबसे पहले हम एट द रेट जो है बीच में डालते हैं, उसके बाद हटा देते हैं। देखेंगे इस प्रकार जो है आपको पासवर्ड एक बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबमिट वाला सेक्शन रहेगा, उस पर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बताया गया है अकाउंट क्रिएटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड और फुल सेंड अप्रूवल लॉगिन एंड ट्रैक स्टेटस। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसे ऐसे टेक्निकल वीडियो हम लाते रहते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे ऑपरेटर आईडी के लिए यहाँ पे हमने जो एडमिन कोड दिया है वो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे चला गया है। तो आप वेट करेंगे और यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया या सीखने को मिला तो चैनल पर बने रहे, ऐसे ऐसे टेक्निकल वीडियो हम लाते रहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।